जय हिंद दोस्तों, अनिल सर आईटी चैनल आपसे का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन नेवी की तरफ से आईटी पास आउट कैंडिडेट्स के साथ साथ अन्य कई क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स के लिए INCET 01 2024 की 8 दिसंबर 2023 को रिक्रूटमेंट निकल कर आए थे, जिसका ऑनलाइन फॉर्म 18 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक फॉर्म भरे गए, जिसमें सिविलियंस के वेरियस पोस्ट थे, ट्रेड्समैन, मेट, चार्जमैन, सीनियर ड्रॉटमैन जैसे पोस्ट थी, जिसका रिटेन एग्जाम 3 फरवरी से 5 फरवरी के बीच में हुआ। फरवरी में ही एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट का इंतजार हम लोग कर रहे थे 5 महीनों से कि अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा, और इसी बीच नई भर्ती निकल कर आ गई INCET 01 2024, जिसके ऑनलाइन फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, और इसका फाइनली INCET 01 2023 का प्रोविजनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं आगे की प्रक्रिया के लिए, उसका फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है और साथ में कट ऑफ भी जारी किया गया है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। रिजल्ट डाउनलोड करना है तो आप अनिल सर आईटी वेबसाइट पर करियर ऑप्शन पर जाइएगा, रिजल्ट वाले सेक्शन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, जाके चेकआउट कर लीजिए, मेरिट लिस्ट को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप नई भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट डाउनलोड करना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, तो गूगल प्ले स्टोर से अनिल सर आईटी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, हमने कई सारे मटेरियल्स दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करिए तो टेलीग्राम पर अब तो लेटेस्ट अपडेट मिलते रहता है। देखिए, ये नोटिस जो है था 01/2023 का, उसका एग्जाम 3 फरवरी से 5 फरवरी के बीच में हुआ था, उसका रिजल्ट जारी किया गया। देखिए, तो चार्जमैन, एमिनेशन, वर्कशॉप का है, सभी अलग अलग का है, अपना देख लीजिए। आप जिसका भी एग्जाम दिए थे, नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं। नीचे कट ऑफ भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका रिजल्ट है उसके नीचे कट ऑफ मिल जाएगा। इस बार नेवी ने बहुत बढ़िया काम किया कि रिजल्ट जो है साथ में दे दिया। पहले आरटीआई करके मंगाना पड़ता था, इस बार आपको आरटीआई नहीं करना पड़ा। आप आरटीआई हजारों सैकड़ों हजार आरटीआई करते थे लोग, और सबको अलग अलग रिप्लाई देने से अच्छा इन्होंने एक ही साथ रिजल्ट के साथ ही इन्होंने कट ऑफ भी बता दिया। कट ऑफ देखिए, ट्रेड्समैन मेट का यूआर में 89 गया है, ठीक है, और वहीं ईडब्ल्यूएस का 69 गया है, ओबीसी का 84 गया है, एससी का 66 गया, एसटी का 60 गया है, एक्स सर्विसमैन का 35, पीडब्ल्यूडी का 74, 51, 66 और 40 तक कट ऑफ गया हुआ है। कट ऑफ आप देखिए तो एसटी एसटी में 60 66, ओबीसी में 84, यूआर यूआर और ओबीसी में ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क देखिए तो ईडब्ल्यूएस के काफी ज्यादा है, मात्र 69 पर सिलेक्शन हो गया है। टोटल 767 कैंडिडेट्स को यहाँ पर आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इसमें आगे की प्रक्रिया जो है कॉल लेटर आपको भेजा जाएगा आपके ईमेल आईडी पर, या बाय पोस्ट आ सकते हैं। जहाँ तक उम्मीद है मुझे कि आपके ईमेल आईडी पर ही आएगा, जैसा होगा आपको बता देंगे अगर किसी को भी लेटर आता है तो। बाकी अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पर आप जो जाइएगा तो नेवी ट्रेड्समैन मीट का ग्रुप है 2024 का, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा तो सभी जुड़े हुए हैं, सभी को जानकारी मिलते रहता है। ठीक है, तो आप जुड़िएगा तो वहाँ पर भी सभी को जानकारी मिल जाएगा। जब भी जैसे लेटर आएगा सब एक डिस्कशन होते रहा था, वहां पर आपको जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, अनिल सर आईटी सर्च करें तो वहां पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट्स जिनका रिजल्ट आ गया उनका तो एक अच्छा है, उनके लिए कांग्रेचुलेशन। जिसका नाम नहीं आया तो आपको परेशान मत होइए, एक और मौका आपको मिल जाएगा नई भर्ती के लिए। हालांकि यहाँ पे सीटें कम है, INCET 02/2024 का ऑनलाइन फॉर्म भरा रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा तो वेबसाइट पर हमने दिया हुआ है, देख करके आप अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर 2 अगस्त तक फॉर्म भरने के लास्ट डेट है, 2 अगस्त के पहले जो है फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर टोटल 161 ही पोस्ट है इस बार ट्रेड्समैन का, पिछली बार तो सीटें बाद में बढ़ भी गई थी, तब पर भी इतने कैंडिडेट जो है इनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जाइए ज्वाइन करिए। ठीक है, तो बाकी नीचे कमेंट करिएगा आगे की प्रक्रिया के लिए, जो भी डाउट्स होगा कोशिश करें आपको बताने का। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड करेगा तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर, सॉल्व पेपर, क्वेश्चन बैंक देखने के लिए मिल जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।